नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे तेज न्यूज। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव अपने संसदीय क्षेत्र यानी कि आजमगढ़ में अपनों के बीच पहुंचे। अपनों के बीच पहुंचने के बाद उन्होंने कई जगह जाकर लोगों को ढाढ़स बधाया, क्योंकि उनके घर के लोग काफी शोकाकुल थे। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव आजमगढ़ जनपद के अंबारी में पूर्व सांसद रामकृष्ण यादव को श्रद्धांजलि दी। साथ ही साथ उन्होंने कई अन्य जगहों पर जाकर लोगों को ढाढ़स भी बधाया। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर हमलावर अंदाज में कई बातें कही, तो सुनिए उन्होंने क्या कहा। पुलिस के लोग भी नाराज हैं सरकार से। जब से CAA NRC आया, ये पुलिस वालों से पूछिए, क्या उन पे उनके पिताजी के जन्म का सर्टिफिकेट है क्या? और हमारे गांव के लोग जितने खड़े हैं, आप में से भी गांव के लोग होंगे, बताओ घर का कागज कहाँ ढूंढेंगे हम? मान लीजिए जिनके घर पे खड़े हैं या बगल में जो घर बने हैं, ये पूर्वजों ने बनाए हैं, हमारे बाबा दादाओं ने बनाए हैं, और जब बनाए थे तब कागज होते ही नहीं थे, तो हम कागज कहाँ से ढूंढ के लाएंगे? पूरी समस्या है देश के अंदर, लेकिन हमें उलझा दिया कागज में। मैं उनसे जानना चाहता हूँ, नोटबंदी में कहा था कि आतंकवाद खत्म हो जाएगा, क्या आतंकवाद खत्म हो गया नोटबंदी से? क्या GST से? ये कहा था कि व्यापार संतुलित हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा व्यापार। आप अपने आसपास की समस्या को देखते हुए, आसपास जो तकलीफें हैं उनको देखते हुए मतदान करना और भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाना, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने काम नहीं किया। 100 नंबर था समाजवादियों का, 112 कर दिया, बताओ टायर बदले क्या उन्होंने? अगर कोई कुछ बदला होता तो गाड़ियां बदल दी क्या? वही गाड़ी, वही सब कुछ, केवल स्टिकर लाए और बदल दिया। 102, 108 वो वैसे ही रह गया। इन्हें समाजवादियों से चिढ़ थी, समाजवादी शब्द से चिढ़ थी। 2 साल में एक्सप्रेसवे बना दिया था समाजवादी पार्टी ने, और हमने एक्सप्रेसवे बना के तैयार कर दिया था। 3 साल गुजर गए, अभी तक आजमगढ़ वाला एक्सप्रेसवे नहीं बन पाया। आजमगढ़ वालों को लखनऊ जाना केवल 2.5 घंटे का सफर होता। और मैं आपसे कह रहा हूँ पत्रकार साथियों, जिस दिन बन करके तैयार हो जाएगा, आप खुद याद करोगे कि समाजवादियों ने कैसी सड़क बना के दी आपको। अब हम लोग हट गए, लेकिन चलो कोई बात नहीं, काम करने के लिए दूसरे बैठा दिए हैं, लेकिन वो भी हटने वाले हैं और फिर समाजवादी आने वाले हैं। सर, DGP महोदय ने सरकार को एक पत्र लिखा है जिसमें पुलिस कर्मियों की संपत्ति के ब्यौरा का मांग किया है कि हर साल होता रहे। देखिए, पुलिस के लोग भी नाराज हैं सरकार से। जब से CAA NRC आया, ये पुलिस वालों से पूछिए, क्या उन पे उनके पिताजी के जन्म का सर्टिफिकेट है क्या? और हमारे गांव के लोग जितने खड़े हैं, आप में से भी गांव के लोग होंगे, बताओ घर का कागज कहाँ ढूंढेंगे हम? मान लीजिए जिनके घर पे खड़े हैं। संवारे अपना भविष्य इंदु प्रकाश फार्मेसी के साथ, डी फार्मा और बी फार्मा करके। इंदु प्रकाश फार्मेसी एट हल्दरपुर मऊ और साई कॉलेज ऑफ फार्मेसी से एलोपैथिक में डी फार्मा करें। विजिट साई कॉलेज ऑफ फार्मेसी सिकटिया, रोज गार्डन के सामने मऊ। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लेटेस्ट वीडियो अपडेट के लिए घंटी बटन दबाएं।